नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो अपने 52 वीक के हाई पे अभी चल रहा है और इसने अपने 52 वीक के लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया और पिछले कुछ दिनों में ही इसने 144% से ज़्यादा के रिटर्न दे दिए हैं और इसका फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ब्राइट हो सकता है। तो यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हैं, ये 1 मंथ का चार्ट है। कंपनी का नाम आपके सामने यहाँ पर है, सेंचुरी एक्सट्रशंस लिमिटेड। ये कंपनी जो है ये बनाती है एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स के अंदर ये काम करती है। इस कंपनी का जो यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हैं ये 1 मंथ का है, मैं आपको 1 वीक का चार्ट दिखाता हूँ। 1 वीक के चार्ट में भी आप देखेंगे कि ये कंपनी आपको लगातार अपर सर्किट लगाते हुए दिखेगी। 1 डे के चार्ट में तो आप इसमें देखेंगे कि लगातार ऊपर का सर्किट ही दिखाई दे रहा है। 1 ईयर का चार्ट अगर हम देखें तो 1 ईयर के चार्ट में भी आपको यहाँ पर क्लियर कट ब्रेकआउट दिखाई देगा कि ये कंपनी कैसे सीधे तीर की भांति ऊपर की तरफ भागती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर 1 वीक का चार्ट हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। अब हम और इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पी रेशो और ये सब तो हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर इसकी जो कॉम्पिटिशन में है वो है हिंडालको इंडस्ट्री, नेशनल एल्यूमिनियम, MMMP इंडस्ट्री लिमिटेड, यहाँ पर और कुछ मान एल्यूमिनियम्स है और ये एल्यूमिनियम कंपनीज हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ये मनाकसिया एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है जिसका 1 ईयर का रिटर्न 80% दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपको कहीं पर भी ग्रीन में कोई रिटर्नेबल प्रोफाइल किसी की नज़र आ रही हो। लेकिन इस कंपनी की आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको इसका जो 1 वीक का रिटर्न है 64% है, 1 मंथ का रिटर्न है 144% और 1 ईयर का रिटर्न है 34%। मतलब कंपनी लगातार पिछले 1 साल से इसका जो रिटर्न है वो पॉजिटिव में है, इसलिए आपको इस कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम इसकी जो इसका जो रिटर्न इसने जो दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर डिटेल्ड पैटर्न हम की बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो ये बैलेंस शीट है यहाँ पर। और बैलेंस शीट यहाँ पर 2015, 16, 17, 18 और 19 का है, 2020 का यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि करंट एसेट, नेट एसेट्स, लाइबिलिटीज यहाँ पर टोटल इक्विटी, ओके यहाँ पर 2020 का अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन हम आप करंट एसेट्स की अगर बात करें 2015 में 48 करोड़ था, 2016 में 47 करोड़ हुआ, 2017 में 62 करोड़, 2018 में 67 करोड़ और 2019 में 83 करोड़। मतलब हमें मान के चलते हैं कि 2020 में भी इसी के आसपास में कहीं पर कुछ हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी लाइबिलिटीज़ की, तो 2015 में इसकी लाइबिलिटीज़ 1.6 मतलब 2 करोड़, 2016 में 4.5 करोड़ और 2019 में इसकी लाइबिलिटीज जो है वो 6.57 करोड़ थी। मतलब अदर लाइबिलिटीज़ और टोटल इक्विटी आप यहाँ देखेंगे 46 करोड़ की है, 42 यहाँ पर थी और 46, मतलब कुल मिला के कंपनी में ग्रोथ ही दिख रही है, बाकी इससे ज़्यादा यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम इसकी जो कैश फ्लो है वो देखते हैं, इनकम देखते हैं। यहाँ पर इनकम आपको यहाँ टोटल रेवेन्यू जो दिख रहा है 2015 में 177 करोड़ था, 16 में 170, 17 में 182, 18 में 238 करोड़ और 19 में 256। मतलब क्लियर कट अप यहाँ पर दिख रहा है कि इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। नेट इनकम की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर आपको इनके कंपैरिजन में 2015, 16, 17, 18 के कंपैरिजन में आपको 2019 में ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं कि हम यहाँ पर बात करते हैं इसका जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी काफ़ी कुछ कहने को यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है, 52% है इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग। इसके अलावा म्यूचुअल फंड होल्डिंग की इसके अंदर 0 है, म्यूचुअल फंड नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का कोई होल्डिंग नहीं है,
अदर मतलब जो इक्विटी होल्डर और इस तरह के होल्डिंग्स है उनके होल्डिंग्स है इसके अंदर 47-48% के करीब, मार्च 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2020 की, मार्च 2020 की। तो यहाँ पर होल्डिंग भी आप देखेंगे कि शेयर होल्डर्स की होल्डिंग्स हैं, उसके बाद में कुछ और भी होल्डिंग्स नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग है और लोकल होल्डिंग है। तो यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि कंपनी के अंदर ऐसा कुछ भी गलत नहीं है और कंपनी लगातार ग्रोथ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक मैंने आपको ब्रेकआउट आपको दिया है यहाँ का कि इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। वैसे मैं और इसके बारे में आपको बताऊँ तो मैं आपको इसके यहाँ पर लेकर आता हूँ इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 17 तारीख को इसने, 17 तारीख को आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने अपर सर्किट लगाया, 16 तारीख को अपर सर्किट लगाया, यहाँ पर आपको इसको डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दिया। ये यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे सकती है कि इसके अंदर डाउनफॉल भी बीच बीच में आ रहा है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर का जो भरोसा है वो इसके ऊपर लगातार आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा इस कंपनी की, वो ये कि इस कंपनी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ रिटर्न्स यहाँ पर कुछ दिए हैं कि नॉट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट, लेकिन ये सब अलग है। स्टॉक इन ASM लिस्ट मतलब आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि ये स्टॉक हो सकता है कर्जे में हो। पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसकी लीकआउट नहीं हो पाई है और ना मेरे पास में ऐसा कोई सोर्स है कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी दे पाऊँ। मैं जो दे पा रहा हूँ वो ये है कि कंपनी अभी, कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको प्रॉफिट दे सकता है आने वाले कुछ समय तक। आप इसके अंदर हो सकता है 2-4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा डिसीजन आपका होगा, इसके अंदर डिसीजन आपको लेना है। इतने कोई बहुत स्टॉक की बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। अगर आप इसके अंदर 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बहुत अच्छा इसके अंदर 1,000 स्टॉक अगर उठा लेते हैं, 2-4 दिन भी अगर आप इसके अंदर बने रहते हैं तो आपके 1,000 के 5,000 बनने की उम्मीद हो सकती है इसके अंदर। तो ये आपको देखना है कि आप इसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितने टाइम के लिए करते हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों ने 3 रुपये पर इन्वेस्टमेंट किया था जून 15 को और जून 19 को, ये स्टॉक 5.25 रुपये पे है, मतलब 3 रुपये से ये स्टॉक कब 5 पे चला गया 3 दिन के अंदर ये पता भी नहीं चला, और ऐसे ही करके ये स्टॉक कब 5 रुपये से 15 रुपये पे चला जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप इसके अंदर अपना पोजीशन बना सकते हो, लेकिन वो डिसीजन आपका सेल्फ डिसीजन होगा। मेरा काम था कि इस कंपनी के बारे में आपको अवेयर करना और आपको बताना, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर इस चैनल पर बने रहना है, इस तरह के और वीडियोज़ आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपके कोई कमेंट या कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को।